अरे दादाजी थोड़ा संभाल कर रहिएगा, आजकल ऑनलाइन स्कैम बहुत हो रहे हैं। काहे चिंता करते हो, सब बेकार की बातें हैं। जो लोग उल्टी सीधी वेबसाइट देखते हैं उन्हीं का मोबाइल हैक होता है। फिर तो दादाजी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? अच्छा बता दो क्या करना चाहिए जिसकी वजह से कोई हमें हैक ना करे। दादाजी मोबाइल में आने वाले किसी भी लिंक पे क्लिक मत करना और अपना OTP किसी को मत देना। ठीक है, हम ध्यान रखेंगे और ज्यादा ज्ञान मत दो हमको, चलो निकलो। अरे दादाजी आपका कुरियर आया है, के मोबाइल में OTP आया होगा, दीजिए तो जरा हमको। हमारा कौन सा कुरियर आया है बे? अरे OTP देंगे तभी तो पता चलेगा। अरे बुर्बक समझे हो क्या, स्कैम करोगे तुम हमारे साथ? लाओ अपना मोबाइल दिखाओ, पहले हम चेक करेंगे कहीं तुम स्कैम तो नहीं कर रहे हो। लग तो ठीक रहे हो। हाँ दादाजी OTP लाइए, लिखो 1 2 3। हाँ दादाजी 1 2 3। दादाजी मत देना OTP, दादाजी मत देना, बता रहा हूँ मैं, स्कैम हो जाएगा आपके साथ, सारा पैसा निकाल लेंगे ये लोग आपका। अरे कुछ नहीं होता धनिया। हाँ दादाजी आगे का OTP बताइए। हाँ हाँ लिखो लिखो 456। हाँ दादाजी 456। हाँ लीजिए दादाजी आपका कुरियर। अरे दादाजी आप सुनते क्यों नहीं है, अब वो आपके मोबाइल को हैक कर लेगा, आपका एक एक रुपया निकाल लेगा, आप गलीब हो जाओगे गलीब। वो जैसे वृद्धाश्रम में दिखाते हैं ना गरीब गरीब बूढ़े, वैसे हो जाएंगे अब आप। अरे धनिया काहे चिंता करते हो बेटा, जब हमने उसका मोबाइल चेक करने के लिए लिया था ना तो हमने उसका मोबाइल हैक कर लिया था। और 1 2 3 4 5 6 कभी कोई OTP हो सकता है क्या? थोड़ा दिमाग भी लगा लिया करो, ये हमारा हैकिंग कोड था, आज तक जितना भी पैसा उसने कमाया है ना अब हम सब निकाल सकते हैं।